Hello everyone, my name is Lokin Singh and you are watching me on Sharp English Academy YouTube channel. It is 13 January 2023 today and it is Friday. Friends, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक स्टोरी लेकर के आए हैं. स्टोरी के माध्यम से हम ग्रामर, वोकैबुलरी और मॉरल ऑफ द स्टोरी तीन चीज़ें सीखेंगे. छोटी सी स्टोरी है, इसको पढ़ेंगे, साथ में उसका अर्थ समझेंगे, शब्दों का मतलब समझेंगे और इस समय क्या शिक्षा मिलती है ये भी समझेंगे. तो वीडियो को स्किप ना करें, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दी स्टोरीज. आज न्यूज़पेपर अवेलेबल ना होने की वजह से हम असमर्थ हैं आपको न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराने में, लेकिन वी विल बी कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट डे टू मेक यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड टू लर्न फ्रॉम दी न्यूज़पेपर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं लर्निंग अबाउट दी स्टोरी. तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कहानी. द वेन स्टेक, वेन का मतलब व्यर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर वेन का मतलब घमंडी से है. स्टेक मीन्स बारहसिंगा, तो घमंडी बारहसिंगा ये कहानी का टाइटल है. कहानी को स्टार्ट करते हैं. वंस, एक बार. जब भी हम कोई सेंटेंस वंस से लिखते हैं तो उसके बाद में कॉमा लगाते हैं, अगर वो स्टार्टिंग में वंस आ जाए. और ऐसे दो बार के लिए हम ट्वाइस लगाएंगे, टी डब्ल्यू आई सी. तीन बार के लिए थ्राइस लगेगा, टी एच आर आई सी ई. चार बार के लिए फोर टाइम्स लगेगा, एफ ओ यू आर टी आई एम ई एस. ऐसे ही पांच बार के लिए फाइव टाइम्स लगेगा. वंस, एक बार. देयर वॉज ए वेन स्टेग, एक घमंडी बारहसिंगा था. ये सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इसका सब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, स्टेग यानी बारहसिंगा. तो जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट लास्ट में होता है और सेंटेंस बेसिक होता है तो सेंटेंस को देयर से स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, और अंत में आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं. He would often go to a pond. वह अक्सर एक तालाब के पास जाया करता था. Often means अक्सर, pond means तालाब. To see, देखने के लिए. His reflection, अपना, अपनी परछाई. अपनी परछाई देखने के लिए वह अक्सर एक तालाब के पास जाया करता था. And say, और कहता था. What handsome antlers I have. मेरे कितने सुंदर सींग हैं. Handsome means सुंदर, अच्छे. Antlers मतलब सींग. तो हिरण के और बारहसिंगा के सींग के लिए एंटलर्स वर्ड का यूज करते हैं, और गाय, भैंस, बफेलो, काओ, बकरी, इनके सींग्स के लिए हॉर्न्स, एच ओ आर एन एस, हॉर्न्स वर्ड का यूज करते हैं. बट आई विश, लेकिन आई विश आई हैड ब्यूटीफुल लेग्स टू, काश मेरे पास में सुंदर पैर भी होते. यानी उसके जो पैर थे वो सुंदर नहीं थे, तो वह अपने पैर को हमेशा कोसता था, कर्ष करता था, उनके बारे में सोचता था कि वो भी मेरे सींग की तरह सुंदर होते. तो विश, आई विश के बाद में जब भी आप सेंटेंस में आगे कुछ बनाओगे तो वहां पर आपको सेकेंड फॉर्म का यूज करना होता है. जैसे आई विश आई वर ए किंग, काश में एक राजा होता. आई विश आई हैड मनी, काश मेरे पास पैसा होता. आई विश आई वेंट देयर, काश में वहां जाता. तो आई विश के बाद में जो सेंटेंस बनेगा वो सेकेंड फॉर्म में बनेगा. यहां पर हैड, हैव की सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है. वन डे, एक दिन. ए लॉइन, एक शेर. एडवांस टुवर्ड्स हिम, एडवांस का मतलब बढ़ने से उसकी तरफ बढ़ा. टुवर्ड्स यानी तरफ. हिम किसकी तरफ? वेन स्टेग यानी घमंडी बारहसिंगा की तरफ. ही रेन इनटू द थिक फॉरेस्ट, वह घने जंगल की तरफ भागा. रन की सेकेंड फॉर्म रेन यानी भागा, पास्ट इंडेफिनेट है. इनटू द थिक फॉरेस्ट, जब भी हम किसी गति से किसी के अंदर एंट्री करते हैं तो वहां पर इनटू वर्ड का यूज किया जाता है. जैसे आपने कहा मेंढक कुएं में कूदा, तो यहां पर उसने बाहर से अंदर की तरफ गति की तो हम बोलेंगे द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल. तो इनटू मतलब जब आप किसी गति में मूवमेंट करते हैं अंदर की साइड, तो वहां पर इनटू वर्ड का यूज किया जाएगा प्रीपोजिशन में. ठीक, यानी कि घना, गहरा. फॉरेस्ट यानी जंगल. एंड, और. हिज एंटलर्स गॉट, और उसके सींग. गॉट कॉट, फंस गए. कैच मींस पकड़ लेना, और कॉट यहां पर सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है पास्ट में. तो गेट के, सॉरी, थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है क्योंकि गॉट सेकेंड फॉर्म है और गेट के साथ में आने वाली क्रिया थर्ड फॉर्म में ही यूज की जाती है. हिज एंटलर्स गॉट कॉट अमोंग द लो ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, और जो पेड़ की लो यानी कि नीची लटकी हुई ब्रांचेज यानी टहनियां, कॉट यानी कि उनमें उलझ गई, पकड़ी गई. तो उसके सींग्स जो पेड़ की लटकी हुई डालियां थी उनमें फंस गई. ही रियलाइज्ड, उसको महसूस हुआ, उसने महसूस किया, पास्ट इंडेफिनिट है, दैट की हिज एंड वॉज नाउ नियर, अब उसका अंत
निकट था, क्योंकि अब शेर आएगा और उसको मार देगा। तो हिज एंड वॉज, यानी कि उसका, अब यहां पर एंड जो है एडजेक्टिव का सॉरी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हिज एंड उसका अंत था, वॉज नाउ अब नियर पास में, एंड कर्स्ट अब उसने कोसा, कर्स का मतलब यहां पर कोसने से, वैसे कर्स का मतलब श्राप देना भी होता है, किसी के बारे में गलत सोचना भी होता है, एंड कर्स्ड हिज एंटलर्स फॉर दैट, अब वह अपने सींगों को कोस रहा था या उसने अपने सींगों को कोसा, क्यों कोसा, क्योंकि उसके सींग लो ब्रांचेज में फंस गए। फाइनली अंत में विद द हेल्प ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग लेग्स, अपने मजबूत पैरों की वजह से, विद द हेल्प ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग लेग्स, अपने मजबूत पैरों की वजह से, अपने मजबूत पैरों की सहायता से, ही वॉज एबल टू, एबल का मतलब सक्षम होने के लिए लगाते हैं, अब ये पास्ट में चला गया, तो ही वॉज एबल टू यानी वह सक्षम हो सका, वह कामयाबी पा सका, वह कर पाया, फ्री आजाद अपने आप को। अब जैसे फ्री का हम दूसरे वर्ड के साथ में यूज करेंगे तो जैसे नाउन के साथ में यूज कर दिया तो वहां इसका मतलब मुफ्त से हो जाता है, जैसे हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी इज फ्री, तो यहां पर हमने इलेक्ट्रिसिटी साथ में फ्री लगाया तो उसका मतलब फ्री है, लेकिन यहां पर फ्री हिमसेल्फ का मतलब हुआ अपने आप को आजाद करना, ही वॉज एबल टू फ्री हिमसेल्फ, वह अपने आप को आजाद करने में सक्षम था या अपने आप को आजाद कर पाया। तो जो भी सेंटेंस ऐसा होता है ना जिसमें आपने कहा मैं वहां जा पाया, तुम लिख पाए, मैं उसका कॉल अटेंड कर पाया, हम उससे बात कर पाए, इन सारे सेंटेंसेज में आप सब्जेक्ट के अनुसार पास्ट में वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, एबल टू लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे आपने कहा मैं अपने दोस्त का कॉल अटेंड कर पाया तो आप बोलेंगे आई वॉज एबल टू अटेंड द कॉल ऑफ माई फ्रेंड। तो सेंटेंस को एक बार फिर पढ़ते हैं, ही वॉज एबल टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांचेज, वह अपने आप को ब्रांचेस यानी कि टहनियों से आजाद कर पाया, फ्री कर पाया। दस इसलिए द स्टैग मैनेज्ड, स्टैग यानी बारहसिंगा, मैनेज्ड यानी कि अपने आप को मैनेज करना, प्रबंधित अपने आप को प्रबंधन करना, टू स्केप, स्केप मीन्स बचना, वह मैनेज कर पाया अपने आप को बचाने में फ्रॉम द लॉइन, शेर से, बाय रनिंग फास्ट, तेज दौड़कर। द स्टैग मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द लॉइन, शेर से बच पाया, अपने आप को बचा पाया, बाय रनिंग फास्ट, तेज दौड़कर। द स्टैग बारहसिंगा रियलाइज्ड, अब बारहसिंगा ने महसूस किया, दोबारा उसने महसूस किया दैट की हिज, उसके अगली, अगली मीन्स बदसूरत, बद्दे, खराब, लेग्स, पैर, सेव्ड हिज लाइफ, उसके भद्दे और या फिर खराब पैरों ने उसका जीवन बचाया। वाइल हिज एंटलर्स कुड हैव बीन द कॉज ऑफ हिज डेथ, जबकि उसके एंटलर्स यानी सींग उसकी मृत्यु के कारण बन सकते थे। तो यहां पर हमने कुड हैव बीन का प्रयोग किया है, तो कुड हैव बीन का मतलब समझ लीजिए, कुड का प्रयोग पास्ट में करते हैं और कुड के साथ में अगर हैव लगा देते हैं तो उसके साथ में आने वाली वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, तो यहां पर कुड हैव के साथ में वर्ब की बी की थर्ड फॉर्म बीन लग रही है। इसका सेंस यानी पॉसिबिलिटी में जा रहा है पास्ट में कि उसके वह अपने एंटलर्स यानी सींगों की वजह से मारा जा सकता था या उसके सींग उसकी मृत्यु का कारण बन सकते थे लेकिन बने नहीं। तो जब भी कोई कार्य पास्ट में हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, वहां पर हम कुड हैव बीन, कुड हैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेवर अगेन डिड ही थिंक, उसने फिर कभी दोबारा नहीं सोचा दैट हिज लेग्स वर अगली, कि उसके पैर गंदे। तो इस कहानी से हमने ग्रामर भी पढ़ी, कई सारे नए सेंटेंस भी सीखे। अब इस कहानी का मोरल क्या है, मोरल यानी कि इस कहानी से हमको सीख क्या मिलती है, वन शुड नॉट ग्लॉट ओवर फिजिकल ब्यूटी, किसी को भी अपनी शारीरिक सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो ग्लॉट ओवर का मतलब घमंड करना, फिजिकल यानी शारीरिक और ब्यूटी यानी सुंदरता। तो ये कहानी का सेंस है और ये आपको ये है वो बारहसिंगा, देख लीजिए इसके जो एंटलर्स है वो काफी सुंदर है। तो इस कहानी से हमने कई सारे वर्ड सीखे, उम्मीद करते हैं कहानी आपको काफी अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस स्टोरी सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग शार्प इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल, देयर यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट ग्रामर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, वोकैबलरी, स्पोकन, हेजिटेशन रिमूविंग एक्टिविटीज,
So please keep on watching, and if still you have not subscribed our channel, so I would like to request you, please subscribe it, share it, and keep on watching. Thank you. Take care.